सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4, तो अपन अभी रेडी हो गए हैं एंड मैं खुशी मोटा एंड लिम्सी और है। तो अभी अपन निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी आपको रास्ते में बताऊंगा, बट बहुत खास फंक्शन है एंड बस अपन निकल रहे हैं विद इन 4 से 5 मिनट बस। तो अभी 4 बजे हैं, तो सुबह पूरा रेडी हो गए, सुबह सुबह नहाए हैं, सुबह चलता है। तो दरवाजा खुल गया। तो भाई अभी अपन रीवा निकल आए हैं एंड ऑलमोस्ट अपने को निकले 1 घंटे हो चुके हैं। और कहाँ है अपने को डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट अपन ये हाईवे पकड़ लिए हैं कटनी वाली एंड डायरेक्ट लपा लप जाएंगे। और ये लोग तो भाई सो दिए, ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं है साथ मिले चलने के जब ये लोग सो जाए। तो अभी जब तक रास्ता साफ है एंड ट्रैफिक कम है तो अपन एकदम रपटा रपट जाएंगे हैं और लटा लट पहुंच जाएंगे जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल। तो अभी अपन इसको सेट करेंगे 100 पे एंड उसके बाद एकदम मक्खन के माफिक चलते जाएंगे। भाई अभी अपन को ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं घर से निकले एंड अपन पहुंचने वाले हैं कटनी है। जो लपक की स्पीड गाड़ी पकड़ी, मतलब ज़्यादा तो नहीं, रोड जो है अच्छे भी हैं, बीच बीच में थोड़ी सी ऊपर नीचे भी है। बाकी लोग सब सो गए हैं एंड 10-15-20 मिनट में हो जाएगा उजाला, तो और गाड़ी चलाने में मज़ा आने वाली है। और जैसा आप देख पा रहे होंगे अभी जो हालात हैं वो कुछ कितना दिख रहा है, बाहर अंधेरा दिख रहा होगा। भाई अभी अपन आ गए हैं टोल नंबर 2। कटनी बस पहुंच ही गए हैं। देखो अपने राइट साइड में है अपने पहाड़ियाँ एंड राइट साइड में भी पहाड़ियाँ और सामने है अपने पास सिर्फ रोड। अभी अपन चलेंगे कहीं पर चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद आगे की जर्नी, बिकॉज अभी अपने को करीब करीब 200 किलोमीटर और चलना है एकदम इसी रोड पे, 250 किलोमीटर और चलना है इसी रोड पे। अभी कराएंगे यहाँ फ्यूलिंग भाई, एकदम लबा लबा अपन कराएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद एकदम रपटा रपट यहाँ से चलेंगे। तो भाई अभी पन्ना के पास अपन पहुँच चुके हैं एंड रेलवे क्रॉसिंग जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एंड अभी सब लोग जग चुके हैं। तो से गुड मॉर्निंग खुशी। गुड मॉर्निंग आदि। गुड नाइट। ओके गुड नाइट तुम्हारा भी से बोलने वाली, अपन निकलते हैं बिकॉज वी आर गेटिंग लेट। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 एंड अपन पहुंच चुके हैं पन्ना के आसपास एंड अपन को जाना, अभी तक मैंने आपको शायद बताया नहीं कि अपन को कहाँ जाना है। अपन जा रहे हैं सागर एंड धूप बहुत तेज़ आ रही है। सागर में एक छोटा सा फंक्शन है उसको अटेंड करना है, बिकॉज जाने को ट्रेन से भी जा सकते थे अपन, लेकिन सीन ऐसा था कि अपन थे दिल्ली में, दिल्ली से आए तो टिकट विकट का हो नहीं पा रहा था और भैया लोग को भी जाना था, तो इसलिए सीधे अपन ने गाड़ी उठाई एंड सीधे मॉर्निंग सुबह 4 बजे जैसे कि आप देख ही रहे, सुबह 4 बजे अपन निकल आए एंड पहुँच जाएंगे 10:30 तक एंड उसके बाद फंक्शन अटेंड करके आज रिटर्न भी अपन आ जाएंगे। भाई धूप बहुत तेज़ है यार। तो गुड मॉर्निंग। तो गाड़ी के भी ये कंडीशन है, थोड़ी ठंडी हो जाए बिकॉज अपन करीब करीब 150 किलोमीटर से ऊपर तो रगड़ चुके हैं इसको।
तो भाई अभी अपन मारेंगे चाय। ये लिमसी को भी दे दो यार। तो भाई अभी अपन पहुंच चुके हैं, ये है कटनी वाला जंगल, एंड यहाँ से ऑलमोस्ट अपने को भी 100 किलोमीटर और जाना है, तो रास्ते का आप मज़ा लो। तो भाई अभी अपन दमो जस्ट क्रॉस ही किए हैं, एंड धूप यार ज़्यादा लग रही, मेरे को लग रहा था इधर थोड़ी ठंडी लगी, बिकॉज थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी जंगल वंगल है, तो मेरे को लग रहा था कि थोड़ी ठंडी रहेगी, बट गर्मी है। एंड ऑलमोस्ट अभी अपने को एक घंटे और लगने, बिकॉज 87 किलोमीटर बचे हैं, एक घंटे या डेढ़ घंटे लगेंगे, अपन टाइम से पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद ब्रेकर आ गया ना। ढूंढो बेटू, देखें ढूंढ लोगे कि नहीं। सर्च करो पीछे। अब ना बोल आप। 2 hours later. ओ माय गॉड, अरे अभी यही आया, मैं सोचा सब आ गया क्या। अरे मम्मा रे, सुनो। तो भाई अब भी हो रहा है अपना डिनर, यहाँ पे लाइटिंग कम है, बॉस को अब वो लड़की रोती रहती है, जब देखो तब सिर्फ उसको रोना है, रोना है, रोना है। मामा मामी पता नहीं का तो बोलती रहती है।